हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार का सेवंथ फेज का जो बहाली है, सरकार ने बोला है कि 50 दिन में हम भर्ती करेंगे, मई के अंत तक जो है विज्ञापन जारी करेंगे। और दैनिक भास्कर में बहुत सी चीजें निकली हैं, सैलरी से लेकर आपका सिलेबस लेकर हर एक चीज। और आपके बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि बीपीएससी ने हाल ही में जो परीक्षा ली है प्रधान शिक्षक का, उसके अकॉर्डिंग प्लीज सिलेबस बता दो कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे तैयारी करनी है। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो इंतजार में नहीं बैठना चाहते हैं कि सिलेबस आएगा तब पढ़ाई करेंगे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम सिलेबस के बाद ही पढ़ेंगे, तो आप प्लीज वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि सच में अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं जिसकी सैलरी इतनी अच्छी है, तो आपको आज से अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि विज्ञप्ति जारी होता है तो सब लोग पढ़ते हैं, बट उसके पहले से जो पढ़ता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। एक और बात, जहां भी जिस स्कूल में जिस स्टेट में जो भी वैकेंसीज आती है, क्योंकि अभी आपको पता है हाल फिलहाल में वैकेंसीज की कितनी बड़ी किल्लत है, तो वो सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग मॉर्निंग में ही शेयर करती हूँ। इसलिए भी चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि जहां पर जो भी वैकेंसीज आती हैं मैं आपको तुरंत जो है प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है सेवंथ फेज, और आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि सिलेबस जो बीपीएससी ने कराया है उसके हिसाब से तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसमें इन्होंने बोला है कि 50 दिन में जो है हम भर्ती करेंगे, ठीक है, 50 दिन में। अब ये तो देखना होगा जब उनकी विज्ञप्ति जारी होगी, और मई के लास्ट में इन्होंने बोला कि हम जो है मई के लास्ट में जो है विज्ञप्ति जारी कर देंगे, 50 दिन में आप सभी को नियुक्ति। अब ये देखते हैं कितना सही होता है, बट याद रखना प्राथमिक ऊपर से स्टार्ट करेंगे ये लोग, लास्ट में प्राथमिक का होगा, ठीक है। बट इतना मान के चलो, जो लोग भी बार बार बोलते हैं अभी नहीं होगा, प्लीज 24 में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है चुनाव है, आप सभी को पता है, और आपका वो विधानसभा का भी चुनाव है, तो इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए सिलेबस क्या होगा, सिलेबस जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कल जिसने वीडियो नहीं देखा है प्लीज देख लेना, मैंने डिटेल में उसमें जो दैनिक भास्कर में जो सिलेबस निकला था कि आप मान लीजिए आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी का भरना चाहेंगे उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे कमांड होना चाहिए। मान लीजिए आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो पीजी आपने जिस सब्जेक्ट से किया होगा उसी से तो पूछेगा, तो कम से कम उस पर कमांड करो। प्लस उसमें लिखा है कि अगर मान लीजिए आप प्राथमिक पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम हाई स्कूल प्लस इंटर 12th तक तैयार करके रखो, क्योंकि बीपीएससी पेपर सेट करेगा तो थोड़ा सा लेवल हाई होगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो अभी आपके पास समय है, आप अपनी बुक से सारे गो थ्रू होइए, आप देखिए कि आपको 10th 12th में कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका वीक है उसकी तैयारी करो, उसके बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। 50 दिन में बीपीएससी कैसे करेगा, और आप जो है अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है राज्यकर्मी कहलाएंगे, 40 से 45 हजार और 45 से 50 हजार इतनी आपकी सैलरी रहेगी। बट उसके अलावा आपको आवास मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगा, तो जब इतनी सारी फैसिलिटी देगी गवर्नमेंट तो ऑब्वियस सी बात है पेपर तो होगा ही, और थोड़ा सा अच्छा खासा होगा। दूसरी चीज की मान लीजिए आप नियोजित शिक्षक हैं, क्वेश्चन आ रहे थे, तो नियोजित शिक्षक को क्या इसी 3 लाख में रखेंगे, तो जी नहीं, उनको 3 लाख में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी शिक्षक है, उनका पैटर्न उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो दूसरा होगा। ये 3 लाख पूरा का पूरा आप सभी के लिए जो लोग एकदम अभी फ्रेशर है, ठीक है। देखिए प्रधान शिक्षक ने जो बीपीएससी के द्वारा जो है पेपर कराया गया उसमें जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड ये पूछा गया है, और अगर कल वाली आपने वीडियो देखा होगा उसमें भी मैंने वही सारी चीजें बताई थी जो कि दैनिक भास्कर के जो न्यूज़पेपर में था, सारी चीजें सिलेबस लिखा हुआ था। तो आपको डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको खुद से सेल्फ स्टडी से इसकी कैसे तैयारी करनी है, और ये सारा चीज जो है प्रधान शिक्षक बहाली बीपीएससी के द्वारा जो चीजें कंडक्ट कराई हैं, जो चीजें पूछा गया है, वही मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने मन से कुछ भी नहीं। प्रश्न सबसे पहले कैसा होगा, इजी या टफ, अगर आपने वीडियो देखा हो शिक्षा मंत्री का और भी बहुत सारे वहाँ का बिहार में, तो उन्होंने बोला है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहेगा, बहुत टफ भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डेप्थ से पढ़ना है, बट यस लेवल के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही होगा। अब पीजीटी दोगे तो पीजीटी में अच्छा खासा लेवल आएगा ही, टीजीटी में भी। तो प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन आपका मतलब मीडियम होगा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, बहुत ईजी भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 100 नंबर का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। समय है अभी आपके पास, तो इन सब चीजों पे कमांड कर लो, क्योंकि ये पूछा हुआ है अभी हाल फिलहाल में। अगर मैं बात करूं तो जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इसमें से निकाला हुआ है मैंने, जो कि आपके में भी कॉमन है, आपको पढ़ना चाहिए। देखिए साइंस से क्वेश्चंस आएगा ही जो कि पूछा हुआ है, साइंस आप पढ़ना स्टार्ट करो, कम से कम क्लास 10 क्लास 12 तक की आप साइंस स्टार्ट जो है स्ट्रांग कर लीजिए।
ज्योग्राफी भूगोल उसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है। आप देखो ना, साइंस ज्योग्राफी पॉलिटी किस एग्जाम में नहीं पूछता है, चाहे आप टीचिंग उठा लो चाहे कोई भी एग्जाम उठाओ। पॉलिटी इसमें आपको कम से कम अपने संविधान के बारे में, आर्टिकल के बारे में कुछ पता होना चाहिए, बाल अधिकार, बाल बच्चों से रिलेटेड जो जो आर्टिकल्स हैं एटलीस्ट वो भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछेगा। इकोनॉमिक्स वो भी आपसे पूछेगा। करेंट अफेयर जिसके लिए मैं हमेशा से बोलती हूँ, अभी नहीं आया है सिलेबस बट आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, हर दिन का करेंट अफेयर अपने कॉपी में नोट करो, 10-10 मिनट की वीडियो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर प्रधान शिक्षक में भी पूछा था, प्लस जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछता है। उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का योगदान, अब बिहार का परीक्षा है तो बिहार से पूछेगा ही 100%, तो कम से कम एक पतली सी बुक आती है जिसमें बिहार के बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं, आप वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको बिहार स्पेशल पढ़ना ही होगा, बिहार के राज्य के बारे में जो जो चीज़ें हैं, कब बना सरकार के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, कौन से नंबर के हैं, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग ये 100% पूछेगा, मैथ और रीजनिंग पे कमांड कर लो, आप इसे भाग नहीं सकते, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके पास मैथ की नॉलेज होनी चाहिए। रीजनिंग इसलिए ज़रूरी है, तर्क लॉजिक यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करना। बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं एससीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी की बात जो है आपने देखा होगा एनईपी में भी हुआ है, सारी चीज़ें अब इसके बेस्ड होने लगी हैं, तो एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। और अभी जो उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है उसमें भी चेंजेस होंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए। टीचिंग एप्टीट्यूड में पाठ्यक्रम पूरा चैप्टर है, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें आती हैं और ये आएगा 100%, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से बता रही हूँ। क्योंकि मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर है तो मान लीजिए 75 नंबर में अगर ये जीएस को कर लेते हैं तो बाकी सब तो यहीं पर कवर होगा ना। और पाठ्यक्रम है, बाल विकास है, देखिए बाल विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे को आप कैसे सिखाओगे ये पता होना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये आपको पता होना ही चाहिए, ये भी चैप्टर पढ़ना होगा। ये सारे मैं टॉपिक बता रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। एक एक टॉपिक मैं करा भी रही हूँ, शाम को 7 बजे मैं CDP कराती हूँ, सुबह 10 बजे आपका मैथ का क्लास होता है। जो लोग अभी से हर 10 मिनट अपना दे दो, बस आपका तैयार हो जाएगा। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और अभी आपको पता है जो अभी नया वाला आया है वो भी आपको पढ़ना है। NEP से आप भाग नहीं सकते हो, NEP जो कि इम्प्लीमेंट होगा, NEP हो गया, बाल अधिकार, बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार हो गया, और कुछ जो शिक्षा शास्त्री हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि पियाजे हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, वाइगोस्की हो गया, कोहलर हो गया, ये तो आता ही है। समावेशी आकलन और मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है। जिला स्तरीय संस्थाएं हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, समाजीकरण हो गया, आईसीटी पे बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा कि सीटेट में भी पूछा है ऐसे क्वेश्चन। दूसरी चीज, आपने बीएड किया होगा, आपने डीएलएड किया होगा, तो उस बुक्स को जरूर रेफर करो, क्योंकि बीएड और डीएलएड वाले जो बुक्स हैं आपके वो बहुत काम करेगा आपको यहाँ पर। मान लीजिए आप बिहार गवर्नमेंट में आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने वहां से बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, आपके जो भी सेमेस्टर्स में जो भी बुक्स आपने पढ़ी होंगी प्लीज उसको फॉलो जरूर करना, क्योंकि ये जो भी गवर्नमेंट के परीक्षाएं होती हैं, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में, वो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछता है। अगर आपके पास डीएलएड का कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली कोई भी बुक्स हो उसको रिफर करो, उसका देखो पैटर्न, उसका इंडेक्स देखो, वहां से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 100% आएगा, पहले ही बता रही हूँ, ऑफिशियल तो नहीं है आपको ये पता है, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा, जैसा कि प्रधान शिक्षक बहाली में पूछा हुआ है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आई होप आपको समझ में आया हो। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मतलब यही है कि जो लोग भी अभी तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस हैं, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, बाकी आप सभी की मर्जी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट कर देना। शाम को मिलते हैं 7 बजे CDP की क्लास में, बिहार सुपर टेट के, सुबह 10 बजे वाली क्लास भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।